गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम अपने सेकेंड वीडियो में लेसन नंबर सेवेंटीन द विंड एंड द सन हवा और सूरज जैसा कि हमने इसके जैसा कि हमने इसके फर्स्ट वीडियो में जो हमने बनाया था उसमें लेसन को हमने पढ़ लिया और समझ लिया आज हम इसी लेसन का सेकेंड वीडियो बनाने जा रहे हैं न्यू वर्ड्स और उसके क्वेश्चन आंसर का तो आइए हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए न्यू वर्ड्स द विंड एंड द सन लेसन नंबर सेवेंटीन रोड रोड मीन्स होता है रास्ता क्विकली क्विकली मीन्स होता है जल्दी चिक्स मतलब होता है गाल की हड्डी कोट मतलब होता है कोट स्ट्रोंगर ज़्यादा प्रबल या ज्यादा शक्तिशाली वन मतलब होता है जितना सेकेंड है रीड एंड राइट पढ़ो और लिखो फर्स्ट है वॉट डिड द विंड डू टू गेट द मैन coat ऑफ हवा ने आदमी का कोट निकलवाने के लिए क्या किया टू get द मैन coat ऑफ द विंड टाइड टू ब्लो hard. आदमी का कोट निकलवाने के लिए हवा ने जोर से बहने की कोशिश की सेकेंड है वॉट डिड द सन डू टू गेट द मैन कोट ऑफ सूरज ने आदमी का कोट निकलवाने के लिए क्या किया आंसर है द सन शाइन हार्ड टू मेक हिम फील हॉटर एंड हॉटर टू गेट द मैंस कोट ऑफ सूरज ने आदमी का कोट निकलवाने के लिए तेज चमक कर उसे और ज़्यादा गर्मी महसूस कराया थर्ड है हु वन इन द एंड अंत में कौन जीता द सन वन इन द एंड फोर्थ है फाइंड और टू ऑब्जेक्टिव विथ ई आर इन द स्टोरी कहानी में ई ER आर से दो वस्तुनिष्ठ बनाइए आंसर है स्ट्रॉन्ग स्ट्रोंगर एंड हार्डर तो मतलब देखो ई ER आर लगा है स्ट्रोंगर में और हार्डर में भी ई ER आर लगा हुआ है फिफ्थ है हु सेट डेट टू होम किसने किससे कहा आई कैन गेट हिस कोड ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन सेट द विंड टू सन किसने कहा था विंड ने मतलब हवा ने सन से कहा था कि मैं तुमसे जल्दी मैं इस आदमी को कोट को त्रवा दूंगा मैं तुम्हारे मुकाबले उस कोट को जल्दी त्रवा दूँगा हवा ने सूरज से कहा था आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट सेट द सन टू विंड तो सन ने विंड को पहले बोला था कि तुम पहले कोशिश करो है ना हाउ कोल्ड इट इज said द कौन बोलते हैं मैन कितनी ठंड है आदमी ने कहा डी आई गिव अफ आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ सेट द विंड टू सन विंड ने सन से कहा कि मैं अब हार मानता हूँ मैं उस आदमी के कोट को नहीं निकलवा पाया थैंक यू